दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पोकन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक फिर से नया स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम एक सेंटेंस को देखते हैं, लिखा है कि चूंकि राधा दिल्ली में है इसलिए वह लाल किला देखेगी। दोस्तों ऐसे वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला भाग चूंकि से शुरू होता है और दूसरा इसलिए से शुरू होता है। पहला भाग चूंकि से शुरू होता है और दूसरा इसलिए से शुरू होता है। चूंकि से किसी कार्य के कारण का बोध का पता चलता है, चूंकि से किसी कार्य के होने का कारण का पता चलता है और इसलिए से रिजल्ट का परिणाम का पता चलता है। अर्थात कोई कार्य क्यों हुआ या होगा या हुआ था उसका कारण जो है पहले वाक्य में मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए दोस्तों हम अपने सेंटेंस की शुरुआत एज सिंस या सीइंग डैट से करते हैं। तो इसमें से किसी एक काम प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम बिकॉज नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है, बिकॉज वाक्य के मिडिल में आता है, बीच में आता है। तो यहाँ पे हम एज सिंस सीइंग डैट से हम इस सेंटेंस को शुरू करेंगे, इसके बाद आएगा सेंटेंस। दोस्तों सेंटेंस कहने से आशा है वाक्य और वाक्य टेंस के अनुसार प्रयोग होगा, जिस टेंस में होगा उस टेंस में हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कॉमा है दोस्तों, आपको हिंदी वाक्यों में आपको इसलिए दिखाई देगा, जब हम इनका अंग्रेजी बनाते हैं दोस्तों इसलिए का हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बीच में लिखेंगे देयरफॉर, हम इसका ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, यहाँ पे केवल कॉमा का हम यूज करते हैं और फिर वाक्य का जो दूसरा हिस्सा है जिस टेंस में होता है उस टेंस में उसको ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा से समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, चूंकि वह गरीब था इसलिए वह भूख से मर गया। दोस्तों चूंकि वह गरीब था, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो चूंकि के लिए हम कोई भी एज सीन सीइंग डेट कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं एज वह गरीब था, गरीब था होना क्रिया, ही वाज पुअर, इसलिए वह भूख से मर गया। तो भूख से मर गया ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बीते समय की बात है। तो भूख से मरना ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन STARVATION। दोस्तों स्टारवेशन मिस होता है आपका भूख मरी, तो डाइड ऑफ स्टारवेशन याद रखिएगा, भूख से मरने के लिए क्या होता है डाइड ऑफ स्टारवेशन। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये प्रेपोजिशन का एरर आता है। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और सारे वाक्यों को ट्रांसलेट कीजिए और तब दोबारा वीडियो को प्ले कीजिए और एक एक मिलाइए, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है क्योंकि आज हम लोगों को कोई कार्य नहीं है इसलिए क्रिकेट खेलेंगे। चूंकि के यहाँ के लिए हम सिंस एज कुछ भी लिख सकते हैं, सीइंग दैट वी हैव नो एनी वर्क, इसलिए क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, अर्थात दोनों वाक्य का सब्जेक्ट वी है, खेलेंगे, वी विल या आप सैल भी लिख सकते हैं ग्रामर के अनुसार, आप यहाँ पे सैल लिखेंगे बेटर होगा, लेकिन विल भी एरर नहीं है, वहां पे आपको मूड को बताएगा वो क्या खेलेंगे, वी सैल प्ले क्रिकेट। हम टेंस के अनुसार वाक्य का चुनाव करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही आपका पहले वाला है प्रेजेंट टेंस और दूसरा है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सेंटेंस है चूंकि वह बीमार है इसलिए वह अनुपस्थित, चूंकि वह बीमार है इसलिए वह अनुपस्थित है। तो सिंस सी इज इल, इसलिए वह अनुपस्थित है। तो इसलिए का सो नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसके पीछे वाले सेंटेंस में टुडे छूट गया, आज के लिए आप पहले सेंटेंस के अंत में टुडे जोड़ लीजिएगा। She is absent. दोस्तों आप यहाँ पे ऑब्सेंस भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह अनुपस्थित है।
सिंस शी इज इल शी इज ऑब्सेंट, यहाँ पे आप सो या देयरफॉर नहीं लिखेंगे। दूसरा वाक्य अगला सेंटेंस है कि चूंकि वर्षा हो रही है इसलिए हम लोग बाहर ना जाएं। दोस्तों यहाँ पे आप सीइंग डैट के अलावा आप कंसीडरिंग डैट भी लिख सकते हैं, कंसीडरिंग डैट वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है क्या होगा दोस्तों, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इसलिए हम लोग बाहर ना जाए। दोस्तों बाहर ना जाए ये सलाह है। वी शुड नॉट गो आउट, तो दोस्तों यहाँ पे शुड क्यों आ गया, क्योंकि बाहर ना जाए ये सलाह है, वर्षा हो रही है इसलिए हम लोग बाहर ना जाए, क्या है, एक सलाह है, एडवाइस है। तो यहाँ पे आप इनके अलावा ये भी जोड़ सकते हैं, कंसीडरिंग डैट का भी आप यूज कर सकते हैं, सीइंग डैट, सिंस, एज, ये सारे प्रयोग हो सकते हैं। अगला सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है, चूंकि राधा दिल्ली में है इसलिए वह लाल किला देखेगी, तो सिंस कौन सा टेंस होगा, राधा दिल्ली में है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक कंसेप्ट का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखकर आप इन दोनों टेंस में अंतर समझ सकते हैं। चूंकि राधा कहाँ है, दिल्ली में, राधा इज इन दिल्ली, इसलिए वह लाल किला देखेगी, सी विल सी द रेड फोर्ट। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, क्योंकि वह गरीब है इसलिए सभी लोग उसको पीटते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि वह गरीब है इसलिए सभी लोग उसको पीटते हैं। दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।